आपको इस वक्त पता ही है, ये जो मस्तूरात है ये यहाँ आई है अपनी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है। तो इस वक्त इतनी मुश्किलात है हर एक, पहले आप मुझे मेरे एक बात सुनिए, आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, आप मुझे बता दीजिए क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है कि इन मस्तूरात को, इन औरतों को पानी मिले? पीने के लिए पानी नहीं है। आप ये खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमें इन्होंने कहाँ से कहाँ लाया। कहते हैं कि पैसे जमा करो, पहले पैसे लाओ फिर हम आपको पानी देंगे। यही हाल बिजली का भी है। बिजली तो इतनी इस कदर आँख मिचौली कर रही है कि कभी 3 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती ही नहीं है, 8-8, 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है। और हुकूमत किस चीज़ का दावा कर रही है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? हमारी सड़कें देखिए, हमें यहाँ जंगल राज हो गया है। यह क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमने कश्मीरियों को इतने, हम पर मजालिम इन्होंने डाले हैं, इतने मजालिम। ये चाहते हैं कि हम इनके सामने घुटने टेके, और वो हम इनको दावा करते हैं इस ऑफिस से, वो उनकी ख्वाब ख्याली होगी, वो हिंदुस्तान का ख्याल होगा कि कश्मीरी मर सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम कभी नहीं झुकेंगे। लेकिन इन्होंने जो शेरकश इलाका है, मुनवर आबाद का इलाका है, मुनवर आबाद का इलाका है, बागवान पोरा का इलाका है, बाबा पोरा का इलाका है, गदुदबाग का वजीर लेन, और पता नहीं पानी पिछले 4 महीनों से ये देखे ये और पकाए काय का ताकि ये नमाज तो पढ़ सके। क्या ये हमें मस्जिद से दूर रखना चाहते हैं, इबादत से दूर रखना चाहते हैं ताकि हम हाथ मुंह भी नहीं धो सके, हम बच्चों की परवरिश नहीं कर सके, उनको यूनिफॉर्म, क्योंकि पानी ही नहीं है, सुबह कैसे उनको जाने के लिए हम स्कूल भेजें? ये हमें अजियतें देते हैं। आज का दिन जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप देखिए, हमने इसके लिए इनसे कहा है कि मेहरबानी करके, हुकूमत से हम कहते हैं मेहरबानी करके जो इनके मसाइल हैं वो हल करें, और इनसे पैसे न मांगे। अगर इन्होंने किसी जगह ये पैसा इनको ज़रूरत ही है, यह साफ तौर कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हिंदुस्तान ने इनको धोखा दिया है, कभी 80,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़, कहाँ है? पानी के लिए एक पाइप नहीं दे रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।